दुकानदार भाईचारा ते किसान भाईचारा और मजदूर भाईचारा किट्ठा हो के उहदी मकान करदे पए आ। पैली साढ़े प्यो की है, मोदी की लगता प्यो पैली साढ़िया जमीन का साढ़िया फसलों का। लांबी पंजाबियों ने ना सही है ते ना सहणगे। जे ये बिल पास हो जाता तो समझ लो भी पंजाब दे विच अतवाद दोबारा शुरू हो जाएगा। खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस जो लोक सभा तो बाद हुण राज सभा दे विच पास हो चुके है, जो राष्ट्रपति की मंजूरी लई भेजा होया, पर हुण किसानां ने सीधी ललकार केंद्र दे एनडीए सरकार नूं मारी है। जिथे किसानों ने प्रधानमंत्री नूं धमकी दित्ती, उत्थे इस ऑर्डिनेंस नूं रद्द करन दी अपील भी कीती है। देखो जिहड़े सेंटर सरकार ने तीन ऑर्डिनेंस जिहड़े आ इह किसान विरोधी आ, देश ही विरोधी, मान लो देश का विरोधी पूरे, जिहदे वास्ते साडा आढ़ती भाईचारा मरना, साडी लेबर मरनी आ, साडे दुकानदार मरने, उहदे विरोध विच अज इत्थे जिहड़ियां जथेबंदियां दा हुक्म ही, उह जथेबंदियां दा हुक्म ठीक 10 बजे मोदी का पुतला फूकिया गया, क्योंकि अज बिल राज सभा च पेश होणा है। असीं राज सभा दे जिन्हें भी उत्थे साडे राज सभा दे मैंबर उन्हां नूं हाथ जोड़ के बेनती करदे आ कि उत्थे तगड़े होकर रौला पाओ, राज सभा दे विच इह बिल पास ना होवे। जे इह बिल पास हो जांदा तो समझ लो भी पंजाब दे विच अतवाद दोबारा शुरू हो जाएगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सानू जमीना दे मालक बनाया ही, तो यह साढ़े को खो नहीं सकता। फिर भी कोई बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गा जोधा मुड़ के उठ पूगा, पर मोदी मोदी नहीं रहने, इतने इंदिरा गांधी नहीं रही तो मोदी भी नहीं रहने। एक करके हाथ जोड़ के बेनती करते भी यहोजा देश विरोधी काम ना करो, ये नहीं ये किसानों ने ताकि ये जी सहन शक्ति तो बाहर हो जाना जी। जिहड़े सेंटर गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लियांदे ने तीन, वह कहते हैं कि बहुत वधिया, लेकिन क्या उन्होंने सही रणनीति या सही चीज़ तुहाडे तक नहीं पहुँच रही जिस करके तुसीं विरोध कर रहे हो? वेखो जी, सरकार कणक ते झोना खरीदी है, जे MSC ते MSP ते रहिंदी ते जिहड़ी ज्वार 1800 रुपये वह क्यों नहीं खरीदी? जे ये ऑर्डिनेंस वधिया वा तो बाकी फसलां क्यों नहीं खरीदी? ये सिर्फ सानू उहने च एक भंबल भूसे च पा के किसानां नूं ते बाहर कढ़ना चाहुंदे आ वी असीं जिहड़ा कणक झोना खरीदे ये भी ना खरीदीए। ये जिहड़े जट वपारियां दे मगर भज्जे फिरन, साडे अजे तक शैलदरां वालिआं पैसे माड़े आ, वपारियां ने पैसे अजे तक मार ले आ। आढ़ती वीर जिहड़े आ ये इहनां नूं पुछ के वेख लो, साडे पिछे आढ़ती वीर खड़े आ, ये आढ़ती तुहानूं दस्सणगे वी इह किन्नीआं मारां जिहड़ीआं झलणीआं पैणदीआं आढ़तीआं नूं। तो ये जे सरकारां विचों निकल जांदियां तो आढ़ती अपने आप मैदान छड़ के चल जाएंगे, ये जिमीदारां नूं कौन सांभूगा? जिमीदारां दी अभी नब्बी आढ़ती चलदे आ। एक करके हाथ जोड़ के बेनती करदे मोदी नूं भी लोगों ना वंगार, ये पब्लिक नूं ना वंगार, ये किसानां नूं ना वंगार, ये जिहड़े ऑर्डिनेंस इहनां नूं रद्द कीता जावे। पुतला जी जिहड़े ऑर्डिनेंस ने पंजाब दे विच पंजाब दे मौत दे फ्रंट भेजे आ, उहदे खिलाफ साडा आढ़ती भाईचारा, दुकानदार भाईचारा ते किसान भाईचारा और मजदूर भाईचारा किट्ठा हो के उहदी मकान करदे पए आ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਫੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਆਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੈਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਓ ਪੈਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ।